Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेट्स ऑफ लेजर के अंदर जो एक लेजर बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका जो रूल है वो है रूल नंबर 85, वो हम डिस्कस करेंगे। ये लायबिलिटी लेजर आखिरकार होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ की जाती है, रूल 85 में ऐसे कौन कौन से क्लॉजेस हैं जो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आज समझेंगे। साथ ही में एक छोटा सा रूल बचता है, रूल नंबर 88, वो भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इन दोनों रूल्स को समझते हैं और ये लायबिलिटी लेजर का यूज़ क्या है, इसमें एंट्रीज़ कैसे होती है उसको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, ये जो लेजर्स की पूरी स्टोरी है, ये लेजर का यूज़ क्या है, हमने देखा है कि इन लेजर्स को और कुछ नहीं अकाउंटिंग के लिए क्रिएट किया गया है। ये ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पर होते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है, कोई बुक्स में मेंटेन नहीं किए जाते हैं। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो जिस हिसाब से पेमेंट करता है, गवर्नमेंट के पास में पैसे डिपॉजिट करता है, उन सबकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उनके लिए इन तीनों लेजर्स को मेंटेन किया जाता है। तीनों लेजर्स को मेंटेन करने के पीछे ये रीज़न है कि सीमलेस अकाउंटिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अगर किसी ने डिपॉजिट किया है तो साथ में इतना भी दिखे कि उसका क्रेडिट कितना अवेलेबल है, और ये भी दिखे कि उसकी लायबिलिटी कितनी बनती है पेमेंट की। इस तरीके से इन सब चीज़ों को एक बार में देखने के लिए यहाँ पर तीनों लेजर्स को हैंड इन हैंड एंट्रीज आपके पोर्टल पर जैसे आप जाएंगे वहाँ पर आपको ये तीनों लेजर्स दिखेंगे। उसमें से हम बात करने वाले हैं लायबिलिटी लेजर के बारे में। लायबिलिटी मतलब ये होता है कि मुझे जितना लायबल हूं मैं पेमेंट करने के लिए टैक्स का टू माय गवर्नमेंट, वो मुझे अमाउंट वहां पर दिखना चाहिए। भले ही वो लायबिलिटी किसकी हो, वो मेरे टैक्स अमाउंट की हो, या फिर वो लायबिलिटी किसकी हो, वो हो सकती है कोई भी अदर ड्यूज की, जैसे इंटरेस्ट का, जैसे कोई फीस का, पेनल्टी का, या अदर ड्यूज कुछ भी हो, उन सब की लायबिलिटीज मुझे मेरे लायबिलिटी लेजर में दिखता है। सो क्लियरली यहाँ पर हमको लायबिलिटीज का पूरा आउटलुक मिलेगा थ्रू दिस लेजर, जो हमको बताएगा कितनी लायबिलिटी अभी तक आपकी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये जो लायबिलिटी लेजर है आखिरकार ये है क्या, इसका यूसेज क्या है। जो मैंने आपको बताया है वो हमने वर्बली अगर सुना है अभी जस्ट, हम समझेंगे इसमें एंट्रीज किस तरीके से होती है। सेकेंड पॉइंट के अंदर कौन कौन से यहाँ पर टैक्सेस दिखते हैं या फिर अदर ड्यूज का लायबिलिटी दिखता है, और उनको डिस्चार्ज कैसे करना होता है, और उनके एंट्रीज कहाँ जाती है इस लेजर के अंदर, वो हम सेकेंड पॉइंट में समझेंगे। उसके बाद में वी विल सी ये जो सेक्शन है, सेक्शन 49 में रिफ्लेक्ट होता है। सेक्शन 49 में कुछ ऐसे सबसेक्शंस हैं जो बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में। साथ ही में हमको मिलेगा रूल नंबर 85। कौन से क्लॉजेस हैं, मेनली तीन क्लॉजेस हैं जो बात करते हैं रूल 85 में अबाउट इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, वो हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल सी सम अदर रिलेवेंट पॉइंट्स जो हमको जानना ज़रूरी है एक लायबिलिटी लेजर को समझने के लिए, कि इसमें क्या चीज़ें आएगी, क्या चीज़ें नहीं आएगी, और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा लायबिलिटी लेजर फिनिश हो जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल सी रूल नंबर 88। एक छोटा सा रूल है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, एक दो लाइन का है, वो हम समझेंगे सबसे लास्ट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली लायबिलिटी लेजर। अब यहाँ पर मैंने एक पूरा लेजर स्टाइल में ड्रॉ किया है, जिससे आपको समझ में आएगा कि लायबिलिटी लेजर में क्या चीज़ डेबिट में हिट होती है और क्या क्रेडिट में हिट होता है, ये हम समझेंगे थ्रू दिस शीट। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि लायबिलिटी लेजर की जब हम बात कर रहे हैं, सो लायबिलिटी तो मेरी टैक्स की होगी होगी, और साथ में दूसरे अमाउंट की भी लायबिलिटी हो सकती है, सो वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लायबिलिटी है मतलब कि लायबिलिटी वाला लेजर जब मुझे इंक्रीज करना होगा वही चीज में डेबिट करूंगा, और जब लायबिलिटी क्रेडिट होगी इसका मतलब क्या है कि उसका पेमेंट होते जा रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करते जाऊंगा। नाउ सबसे पहले हम एक एक साइड पर फोकस करते हैं, लेट्स सी डेबिट साइड में क्या हो रहा है। सो डेबिट साइड की अगर हम बात करेंगे, सो सबसे पहले ऑल लायबिलिटीज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज, मतलब जितनी भी मेरी लायबिलिटीज है
टैक्स की हो या फिर अदर ड्यूज की हो, ये सभी अमाउंट मुझे दिखेगा यहाँ पर डेबिट साइड ऑफ दिस लायबिलिटी लेजर। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी लायबिलिटी यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। सो लायबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल लायबिलिटीज, ये बात तो हमको समझ में आ गया कि चाहे वो टैक्स की हो या फिर अदर ड्यूज की हो, दोनों लायबिलिटीज यहाँ पर देखनी चाहिए। बट यहाँ पर लिखा हुआ है एस पर रिटर्न एंड एस पर पीओ, इसका मतलब ये है कि रिटर्न के साथ में जो भी मैंने लायबिलिटीज मेंशन करी है वो तो आएगी ही आएगी, साथ में अगर पीओ को लगता है कि मेरी कुछ लायबिलिटी होनी चाहिए, कैसे, एस पर प्रोसीडिंग्स अगर उसको लगता है तो वो भी लायबिलिटीज ऐड हो जाएगी मेरी इन लायबिलिटीज में और वो डेबिट साइड में लायबिलिटी लेजर में शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सभी लायबिलिटीज तो हमने मेंशन कर दी है, जो भी मेरी लायबिलिटीज होगी वो सब यहाँ पर शो होती जाएगी, चाहे वो पीओ के साथ में टाइम टू टाइम में वो ऐड करे प्रोसीडिंग्स के साथ में, तो वो भी मेरे लायबिलिटी लेजर में दिखेगा कि आपके इतनी लायबिलिटी है जो पीओ ने इस प्रोसीडिंग्स के हिसाब से रिकवरी के हिसाब से क्रिएट करी है, और ये आपके रिटर्न के हिसाब से लायबिलिटी इतनी दिख रही है वो आपको पे करना है, तो ये अमाउंट तो आपको देना ही होगा। अब साथ में और भी दूसरा टैक्स का अमाउंट या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट बिकॉज ऑफ मिसमैच भी आपके यहाँ पर लायबिलिटी में यही ऐड होगा। मिसमैच किस चीज़ का मिसमैच? जो आप GSTR 1 से आपको आउटवर्ड सप्लाई दिख रही है और सामने वाले पर्सन के वहाँ पर, यानी कि वो परचेजर में 2A में या फिर 4 में नहीं दिखता है, तो मिसमैच होता है। यानी कि आपने तो बोला कि आपने बेचा है, सामने वाला तो मना कर रहा है कि उसने नहीं बेचा है, यानी कि उसने नहीं खरीदा है, तो इस वाले सिनेरियो में आपका मिसमैच होगा। या फिर यहाँ पर मिसमैच आप बोल सकते हैं कि आपके रिटर्न में जो आउटवर्ड सप्लाई जा रहा है और आपकी बुक से जो मिसमैच हो रहा है वो भी एनुअल रिटर्न में रिकन्सिलेशन जाएगा, वो सब रिकन्सिलेशन के हिसाब से, मिसमैचिंग के हिसाब से अगर कोई टैक्स क्रिएट होता है या फिर इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो वो भी यहाँ पर ऐड होके आपके लायबिलिटी में दिखेगा और आपको पोर्टल में शो होके यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपकी लायबिलिटी इतनी और है। सो ये तीन चीज़ें हो गई, एज पर रिटर्न की लायबिलिटी, एज पर के हिसाब से लायबिलिटी और मिसमैच के हिसाब से लायबिलिटी, और भी टाइम टू टाइम TTT मैंने यहाँ पर लिखा है, टाइम टू टाइम जो भी इंटरेस्ट होता है अगर वो लगाया जा रहा है तो वो यहाँ पर शो होते जाएगा और वो आपको पे करना होगा। इस तरीके से टोटल लायबिलिटी आपकी दिखेगी यहाँ पर। सो इस तरीके से लायबिलिटी लेजर के अंदर टोटल यहाँ पर लायबिलिटी आपको डेबिट साइड में दिखेगी। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है दोस्तों कि ये जो लायबिलिटी पूरी डेबिट साइड में दिख रही है उसका करना क्या है, उसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट आदमी कैसे करेगा? दो तरीके हैं पेमेंट करने के, जो आपको क्रेडिट साइड में दिखेंगे, ऑब्वियसली लायबिलिटी कम करना है, क्रेडिट हिट करना पड़ेगा। सो ये पेमेंट में आपको दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही होगी। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज बाय डेबिटिंग कैश लेजर, और दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज बाय डेबिटिंग क्रेडिट लेजर। मतलब या तो आदमी पैसा देकर, रोकड़ा देकर यहाँ पर लायबिलिटी ख़त्म कर देगा, या फिर दूसरी चीज़ वो क्या कर सकता है, वो अपना ITC यूज़ कर सकता है, जो उसके पास में क्रेडिट रखा हुआ है उससे वो पेमेंट कर देगा और अपनी लायबिलिटी उससे कम कर देगा। ये दो ही तरीके हो सकते हैं, तो वो दोनों तरीके क्रेडिट में यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। बट यहाँ पर आपको अटमोस्ट केयर रखनी होगी किस चीज़ की, कि कैश कब यूज़ करना है और क्रेडिट लेजर कब यूज़ करना है। अगर इन दोनों का आपको यूसेज पता नहीं है तो आप बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ पर आप बिल्कुल मिसमैनेजमेंट कर देंगे। आपको करना है इसका मतलब एग्जाम के हिसाब से, और प्रैक्टिकल लाइफ में आप वो चीज़ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसका ऑप्शन कभी आता ही नहीं है। सो अगर हम कैश लेजर की बात करते हैं, सो कैश लेजर को डेबिट करने की बात कही तो हम मिनी लेजर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, कैश एंड दिस इज क्रेडिट। इन्होंने बोला है कि हमें डेबिट करना होगा कैश लेजर को और हमें डेबिट करना होगा क्रेडिट लेजर को अगर हमें पेमेंट करना है, तो इनका डेबिट और लायबिलिटी लेजर में क्रेडिट, ये इफेक्ट होगा, तो ड्यूअल इफेक्ट इस तरीके से जाएगा। सो यहाँ पर जब आप पहले कैश लेजर को डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कैश लेजर में क्या क्या जाता है? कैश लेजर में आपके यहाँ पर सारा डिपॉजिट्स दिखता है,
जो भी आपने गवर्नमेंट को अभी तक डिपॉजिट्स कर रखे हैं, आपने जो पैसा गवर्नमेंट को दे रखा है, गवर्नमेंट उनको आपको यूज़ करने देगी ऑब्वियसली पेमेंट करने के लिए। तो आप जो भी डिपॉजिट्स करते हैं वो आपके कैश लेजर में क्रेडिट में जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको डेबिट करेंगे तो वो पैसा आपका यूज़ हो गया फॉर दिस लाइबिलिटी का पेमेंट। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये जो कैश लेजर का पेमेंट आपने किया है, वो कैश लेजर का पेमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप? वो आप सिर्फ और सिर्फ कर पाएंगे किस चीज़ के लिए? अदर ड्यूज। मतलब सिर्फ और सिर्फ बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि अदर ड्यूज़ का अगर आपको पेमेंट करना है, जैसे इंटरेस्ट का करना है, पेनल्टी का करना है, ये पेमेंट आप कैश लेजर से ही कर पाएंगे, ये आप विदाउट कैश लेजर नहीं कर पाएंगे। मींस आप इसके लिए ITC यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स, तो टैक्स के लिए आप ITC यूज़ कर सकते हैं, अदर ड्यूज़ के लिए आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर और भी किसी नेचर का अगर इंटरेस्ट है तो आपको कैश से करना पड़ेगा, ये कभी भी आप इनका यूज़ क्रेडिट से नहीं कर पाएंगे। और क्रेडिट लेजर की अगर हम बात करें तो क्रेडिट लेजर का सिर्फ मतलब ITC जो है, जो आपको इस तरफ पूरा दिखता है आपके क्रेडिट में, उसका यूज़ ओनली एंड ओनली फॉर टैक्स अमाउंट है। मतलब आप इस ITC को सिर्फ आपका जो मेन कंपोनेंट है टैक्स का, उसका पे ऑफ करने के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं। सो क्लियरली यहाँ पर क्रेडिट साइड भरी हुई है कैश और क्रेडिट लेजर के डेबिट से। उसका सेकेंड इफेक्ट जा रहा है क्रेडिट साइड ऑफ लाइबिलिटी लेजर, और इस साइड अगर हम देखें तो हमारी डेबिट साइड भरी हुई है हमारी लाइबिलिटी से। सो टिपिकल एक लाइबिलिटी लेजर है, लाइबिलिटी इंक्रीज करना है डेबिट करते जाइए, डिक्रीज करना है तो कैश लेजर और क्रेडिट लेजर को आप यूज़ करते जाइए। इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझाया है कि यहाँ पर इस पूरे टी फॉर्मेट वाले लेजर में कैसे एंट्रीज हिट होती है इन लाइबिलिटी लेजर। उससे हमको समझ में आ गया है कि लाइबिलिटी लेजर का नेचर भी क्या है। आइए देखते हैं आगे कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रूल नंबर 85 जो बताता है हमको कि किस तरीके से लाइबिलिटी लेजर काम करता है। लेट्स सी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रूल 85 की। सो क्लियरली हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर 85, 86 एंड 87 इस तरीके से हमने तीन रूल्स देखे हैं। ये तीनों ही रूल्स अपना अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। इनके लिए हमने एक समरी वीडियो में आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा जहां पर हमने पूरा चैप्टर कवर किया है। 85 बात करेगा सबसे पहले जो अभी हम देख रहे हैं LC & C, मतलब लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। इस तरीके से LCC का ये पूरा फ्लो चलता है। बट ये तो बात हुई रूल्स की। जब आप बात करते हैं सेक्शन 49 की, सो अगर हम बात करेंगे सेक्शन 49 के हिसाब से, तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला उल्टा चलता है। उल्टा क्यों चलता है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 85 के हिसाब से नहीं चलता है। सबसे पहले के जो सब सेक्शन से 1 & 3 वो बात कर रहे हैं यहाँ पर कैश के बारे में, आगे के बात कर रहे हैं क्रेडिट के बारे में, एंड एट लास्ट 6, 7 और 8 ये बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइबिलिटी के बारे में। तो जो आपको यहाँ पर 7, 8, 9 दिख रहे हैं वो यहाँ पर क्लॉजेज है इसके, या फिर सब सेक्शन है सेक्शन नंबर 49 के। 9 यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है। 6 किस बारे में बात करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं 7 और 8। 7 बात करता है, वो बताता है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है जो आप डेबिट कर रहे हैं, अभी हम देख के आए हैं इस लेजर के अंदर सारी लाइबिलिटीज़ डेबिट होती है एंड रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी लेजर, उसका जो फॉर्म है वो है 01। तो सबसे पहले लाइबिलिटी लेजर में 01 यूज़ किया गया है। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे क्रेडिट लेजर में, तो वहाँ पर 02, 03 एंड 04 फॉर्म को यूज़ किया गया है। 3 और 4 वहाँ पर बात करें तो रिफंड से रिलेटेड है, और 4 बात करता है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको दिखी है तो आप किस तरीके से PO के पास में जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात हुई थी 05 की, जो बात देखी थी हमने कैश लेजर के अंदर। तो ये सारे फॉर्म्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। 06 एंड 07 भी आगे यहाँ पर ही हमने डिस्कस किया है। अगर डिपॉजिट करना है तो 15 डेज का 06 फॉर्म तैयार होता है, और 07 में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप कर सकते हैं। ये पूरा 1 to 7 तक का जर्नी हमने यहाँ पर इन तीनों रूल्स के अंदर देखे हैं। लाइबिलिटी लेजर के लिए जो भी लाइबिलिटीज आपको रिकॉर्ड करनी होगी वो आपको 01 के अंदर करनी होगी अंडर सबसेक्शन नंबर 7 ऑफ सेक्शन 49। अब ये 6 किस बारे में बात कर रहा है? 6 इस बारे में बात कर रहा है कि अभी जस्ट जो हम देख के आए हैं, क्या कि आपने इन लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए कैश यूज किया और क्रेडिट यूज किया,
तो कैश और क्रेडिट का जो ये यूज है वो है सेक्शन नंबर 6 के हिसाब से, क्योंकि उसका कहना है कि जो भी बैलेंस बचता है वो रिफंड हो जाएगा। पर रिफंड जो होगा, बैलेंस बचेगा, इसका मतलब क्या है कि पेमेंट करने के बाद में कैश और क्रेडिट लेजर का जो भी अमाउंट बचता है वो हम रिफंड में डाल देते हैं, वो है सबसेक्शन नंबर 6। इसलिए उसको यहाँ पर लिखा नहीं, सिर्फ हमें कनेक्ट करना था। 7 बोल रहा है 01 के हिसाब से लाइबिलिटी आप रिकॉर्ड करिए। अब देखिए 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन तीनों ही लेजर्स में अगर हम बात करें 85, 86 और 87, चाहे लाइबिलिटी हो, क्रेडिट हो या फिर कैश हो, इन सब का यूज करने का, यानी कि अमाउंट ऑफ डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज का है, किसके, इन केस ऑफ लाइबिलिटी लेजर। क्रेडिट में यूसेज ऑफ क्रेडिट का है, उसको कैसे यूज करना है, मैनर। और कैश में कैश का भी हम यूसेज की बात करें, सबका एक मैनर टिपिकली अरेंज किया गया है, आपको उसी फ्लो में उसी मैनर में आपको उन डिस्चार्ज करना होगा लाइबिलिटीज को, उन अमाउंट्स को यूज करना होगा। तो यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 8 बात करता है कि अगर आप लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो आपको एक मैनर फॉलो करना होगा। ये मैनर अभी हम समझेंगे ये 9 देखने के बाद में। तो 7 और 8 हमने यहाँ पर समझा, अब 9 बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। 9 का कहना है कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है ये पास हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास होना, इसका मतलब क्या है कि वंस अ टैक्स पेयर हैज पेड द टैक्स, मतलब रिसिपिएंट से टैक्स ले लिया है, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है, उसने पे कर दिया, उसने रिटर्न भी भर दिया। अगर किसी पर्सन ने रिटर्न भर दिया है और टैक्स पे कर दिया है, इसका मतलब यह है कि नाउ दैट पर्सन इज फ्री, उसने अपना पूरा काम ढंग से कर लिया है, उसने जितना कलेक्ट किया था वो गवर्नमेंट को दे दिया। ये करने के बाद में, रिटर्न भरने के बाद में, उस टैक्स का जो डिपॉजिट हो चुका है गवर्नमेंट के पास में, इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज बीन पास्ड। इसका मतलब क्या है, अब वो जो रिसिपिएंट है वो अपना ITC क्लेम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जब तक सप्लायर अपने रिटर्न में वो अमाउंट नहीं डालेगा, जब तक सप्लायर वो टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करेगा, तब तक सामने वाला रिसिपिएंट उस अमाउंट का ITC यूज नहीं कर सकता है। सो वंस पेड एंड वंस रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट, नाउ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज बीन पास्ड टू रिसिपिएंट। ये बोल रहा है सबसेक्शन नंबर 9। तो लाइबिलिटी रजिस्टर के लिए या फिर लाइबिलिटी लेजर के लिए 7, 8, 9 सेक्शन 49 के हिसाब से सबसेक्शंस हैं। 7 बोल रहा है PMT 01 में लाइबिलिटीज आप रिकॉर्ड करिए, 8 बोल रहा है मैनर हम आपको बताएंगे लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करनी है, और 9 बोल रहा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन हो जाता है। चलिए अभी तक हमने देख लिया है लाइबिलिटी लेजर है क्या, लाइबिलिटी लेजर में क्या क्या एंट्रीज होती है, रूल 85 के हिसाब से कितने सबसेक्शंस हैं। आइए देखते हैं सबसेक्शन नंबर 8 को डिटेल में, ये मैनर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज है क्या, लेट्स सी। अब अगर हम बात करेंगे मैनर की, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 8 है सेक्शन 49 का। ये बात कर रहा है लाइबिलिटीज को अगर आप डिस्चार्ज करना चाहते हैं, मतलब कि कम करना चाहते हैं, उनका पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको एक फ्लो फॉलो करना होगा। ये फ्लो क्या है, ये 3 स्टेप का फ्लो है। मीन सबसे पहले अगर आपके पास में पैसा है, आप लाइबिलिटीज या तो कैश को यूज़ करेंगे या फिर आप क्रेडिट यूज़ करेंगे डिस्चार्ज करने के लिए। क्रेडिट अगर आपके पास में ITC से रखा हुआ है तो ये सिर्फ टैक्स अमाउंट के लिए यूज़ किया जाएगा, बाकी सब अदर ड्यूज के लिए आपको कैश से उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। बट जस्ट इतना ही नहीं, थोड़ा और यहाँ पर डीपली आपको समझना होगा कि क्या मैनर है जिस हिसाब से आप ये पैसा यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो टैक्स का हो या अदर ड्यूज का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट हमें मतलब है पीरियड से। मीन्स अगर आपका कोई ऐसा प्रीवियस पीरियड का कोई भी अमाउंट अगर अनड्यू है, चाहे वो टैक्स हो या फिर अदर ड्यूज हो, तो आपको उसका पेमेंट पहले करना होगा, मतलब प्रीवियस पीरियड को पहले फोकस में रखना होगा। उसके बाद में प्रीवियस मतलब कि पहले जो पुराने पाप है आपके, आपको उसको धोना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप पेमेंट करना चाहेंगे तो फिर आप करंट पीरियड का टैक्स पे करेंगे और साथ ही में जो भी अदर ड्यूज होंगे वो भी आप इसके साथ में पे करेंगे।
तो करंट पीरियड आया सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे आया प्रीवियस पीरियड का आपको पे करना होगा। नाउ सबसे लास्ट में क्या आता है, इन दोनों को पे करने के बाद में अब इसके अलावा जो भी आपके अदर ड्यूज हैं इनके बाद बचे हुए हैं, जैसे ये इंक्लूड करता है 73, 74 के अंडर जो भी जैसे डिमांड्स हैं या फिर प्रोसीडिंग्स हैं वो सब सबसे लास्ट में आती है। सो इनका कहना है कि आपको अगर डिमांड्स का या फिर प्रोसीडिंग्स का पैसा देना है तो वो सबसे लास्ट में आपको देना होगा। सबसे पहले आप पेमेंट करिए प्रीवियस पीरियड का, पुराने पाप धोइए, फिर उसके बाद में आप करंट पीरियड का टैक्स पे करिए, देन एट लास्ट यू विल पे डिमांड्स एंड प्रोसीडिंग्स का पैसा जो आपसे मांगा गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्लो है जो सेक्शन नंबर 49 के अंदर सब सेक्शन 8 में डिस्कस किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटीज़, वो आपको ध्यान देना होगा, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। चलिए अब देखते हैं कुछ अदर रिलेवेंट पॉइंट्स। मींस अभी तक इस पूरे वीडियो के अंदर हमने लायबिलिटी लेजर का मतलब देख लिया है, लायबिलिटी लेजर में एंट्रीज क्या होती वो हमने देख लिया है, रूल 85 में किस तरीके से सेक्शन 49 के साथ में रिलेशन है, 7, 8, 9 ये सब सेक्शंस देख लिए हैं, और लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का जो फ्लो है वो भी हमने समझ लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अदर रिलेवेंट पॉइंट्स। अदर रिलेवेंट पॉइंट्स में देखिए क्या क्या है, सर्टन पेमेंट्स टू बी मेड ओनली सिर्फ और सिर्फ थ्रू बाय डेबिटिंग कैश लेजर एंड क्रेडिटिंग लायबिलिटी लेजर। सिंपल सी बात है, ये कैश है ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी में क्या करना है कैश में क्या करना है, आइए देखिए ये कैश ये लायबिलिटी। इन्होंने कहा है कि कुछ पेमेंट का जो खर्चा है, जो कुछ पेमेंट आपको करना है, ऐसे कुछ पेमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर को डेबिट करने से मिलेंगे और रिस्पेक्टिव इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी का क्रेडिट, इसका मतलब और कुछ नहीं। मैं लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूँ इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है और उसका पेमेंट मैं कर रहा हूँ कैश से, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं इन शॉर्ट कि आप इन चीज़ों के जो पेमेंट है वो सिर्फ आप कैश लेजर से ही कर सकते हो और कहीं से नहीं कर सकते हो। जैसे हम देख के आए हैं अभी अदर ड्यूज़ का पेमेंट हमेशा कैश से होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट हमेशा कैश से होगा, या फिर हम बात करें पेनल्टीज़ का, अदर अमाउंट्स का, सब कैश से होगा। बट ITC अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ITC यूज कर पाओगे टैक्स के लिए, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। इन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, देखिए सबसे पहला है TDS डिडक्टेड और TCS कलेक्टेड। अगर आपने TDS डिडक्ट किया है, TCS कलेक्ट किया है, वो आप क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आपको ये भी कैश से ही करना होगा सिर्फ और सिर्फ, आप इसके लिए ITC यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज बेसिस पर अगर आपका कोई अमाउंट पेबल है तो क्या आप उसको ITC से सेट ऑफ कर सकते हैं, नो, आपको कैश से पेमेंट करना होगा। सेक्शन 10 यानी कि कंपोजिशन स्कीम के अंडर आपका कोई पेमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कंपोजिशन स्कीम का कोई पर्सन है तो क्या उसके पास ITC है, नहीं है। क्या वो ITC पास ऑन कर सकता है, नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो वो कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन है, उनको ITC अलाउड ही नहीं होता है, तो वो ऑब्वियसली उनको पेमेंट कैश से ही करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ अदर ड्यूज ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, फीस हो, अदर्स हो, ये चारों चीज़ें आपको कैश से पेमेंट करनी है। अदर ड्यूज तो हमको पता है, रिवर्स चार्ज हमने ऐड करा है, सेक्शन 10 हमने यहाँ पर ऐड किया है, और TDS और TCS भी हमने ऐड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए रिलेवेंट पॉइंट में सबसे पहले हमने इसको लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कम्युनिकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू PO यानी कि प्रॉपर ऑफिसर। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज अगर लगता है और हमें पता चल गया है तो हमें PO को यहाँ पर बताना पड़ेगा। हम कौन से फॉर्म के अंदर बताएंगे, 04 में हम उसको बताएंगे कि हमें हमारे इस लेजर के अंदर ये डिस्क्रिपेंसी लग रही है, आप इसको ठीक कर लीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे रिडक्शन इन डिमांड एंड पेनल्टी मे बी अलाउड एज पर PO। सीधी सी बात है कि आपकी जितनी पेनल्टी और जितना इंटरेस्ट का अमाउंट या फिर आपके ऊपर डिमांड जो है वो दिख रही है आपके लायबिलिटी लेजर के अंदर, वो लायबिलिटी लेजर से वो कम भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपके लेजर के अंदर कोई भी डिमांड दिख रही है
इंटरेस्ट दिख रहा है, पेनल्टी दिख रही है लायबिलिटी में, तो ज़रूरी नहीं कि वो उतनी की उतनी रहे। अगर पीओ को लगता है कि सही टाइम पर उस पर्सन ने इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट कर दिया है, तो हो सकता है वो पेनल्टी कम कर दे, वो डिमांड कम कर दे। कोई भी फैक्ट्स बाद में सामने आए तो वो सब डिमांड और पेनल्टी कम हो सकती है। पीओ के हिसाब से ये डिमांड पेनल्टीज में रिडक्शन भी हो सकता है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। इस शीट में जो आपको याद रखना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि कैश लेजर से सिर्फ और सिर्फ पेमेंट इन चीज़ों का ही होगा। ऐसा नहीं है, आपको उल्टा बोलना चाहिए, इन चीज़ों का पेमेंट जो है वो कैश लेजर के थ्रू ही होगा। TDS, TCS का, रिवर्स चार्ज का, सेक्शन 10 का और अदर ड्यूज का, ये चारों चीज़ों का पेमेंट सिर्फ आपको कैश से ही कर सकते हैं, इनके लिए आप क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये थे हमारे अदर रिलेवेंट पॉइंट्स। इस पूरे वीडियो के अंदर हम आ चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो हमको देखना है एक आखिरी रूल, रूल नंबर 88। वो क्या है आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर टोटल चार रूल्स हमने देखे हैं या हमको देखने हैं। तीन रूल्स तो सबसे बेसिक है लेजर्स के ऊपर है, 85, 86 एंड 87। रूल नंबर 88 भी पेमेंट ऑफ टैक्स में इंक्लूड किया गया है, वो हम समझने वाले हैं। रूल नंबर 88, UIN फॉर ईच ट्रांजेक्शन। UIN मतलब है यूनिक आइडेंटिटी नंबर। हर ट्रांजेक्शन को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। उसका मतलब क्या है, जब भी आप फॉर एवरी डेबिट एंड क्रेडिट ऑन कॉमन पोर्टल, मतलब कि हर डेबिट एंट्री के लिए, हर क्रेडिट एंट्री के लिए कॉमन पोर्टल के ऊपर एक UIN क्रिएट किया जाता है। कहाँ पर हो रही है डेबिट और क्रेडिट, चाहे वो कैश लेजर हो चाहे वो क्रेडिट लेजर हो, अगर आप इन दोनों लेजर्स में कहीं भी कुछ भी एंट्रीज करेंगे तो हर एंट्री के लिए एक UIN नंबर क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप अलग से ट्रेस कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, जैसे आप बैंक स्टेटमेंट देखते हैं हर एक ट्रांजेक्शन का एक ट्रांजेक्शन नंबर क्रिएट होता है, वैसे ही यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर ट्रांजेक्शन के लिए क्रिएट किया जाता है। वॉट अबाउट लाइबिलिटी लेजर, तो उसके लिए भी हर क्रेडिट और हर डिस्चार्ज के लिए आपको ये लायबिलिटी लेजर में भी UIN क्रिएट हो जाएगा। इन शॉर्ट, कोई भी एंट्री हो उसके लिए रूल 88 बोलता है कि एक नंबर या फिर रेफरेंस नंबर, यूनिक नंबर क्रिएट हो जाएगा। सो ये रूल नंबर 88 बात कर रहा है। इसी के साथ में दोस्तों, इस पूरे वीडियो के अंदर हमने रूल 85 और 88 को डिस्कस किया है। 85 तो हमने डिस्कस किया है लायबिलिटी लेजर के लिए, और 88 हमने डिस्कस किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच ट्रांजेक्शन के लिए। लायबिलिटी लेजर का टी फॉर्मेट में हमने एंट्रीज देखी है, साथ में हमने ये देखा है क्या अदर रिलेवेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, और डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी कैसे होगी वो भी हमने समझा है। एक प्रॉपर फॉर्मेट है, पहले प्रीवियस पीरियड का, फिर करंट पीरियड का, उसके बाद डिमांड्स और प्रोसीडिंग्स वाला पैसा आपको पे करना होता है। ये मैनर और फ्लो आपको फॉलो करना होगा। और इतना ही नहीं, अगर आप कैश और क्रेडिट दोनों आपके पास में अवेलेबल है तो क्रेडिट ITC आप सिर्फ टैक्स के लिए यूज़ कर पाएंगे, और कैश के लिए आपको स्पेसिफिकली चार ट्रांजेक्शन के लिए कैश ही यूज़ करना है पेमेंट के लिए, TDS और TCS के लिए, सेक्शन 10 यानी कंपोजिशन स्कीम होल्डर के लिए, और साथ में आपको देखना होगा दो लोगों के लिए और, मींस अदर ड्यूज तो है ही सही, साथ में अगर आप कोई भी रिवर्स चार्ज का पेमेंट अगर पेबल है तो वो भी आपको ITC नहीं बल्कि कैश से ही पेमेंट करना होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लायबिलिटी लेजर भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।